बच्चों पे या लेडीज़ पे कुछ अगर ऐसे प्रेत बाधा आ जाए या फिर कुछ परेशानी आ जाए तो क्या किया जाए? कई बार क्या होता है कि बच्चों पर यदि प्रेत बाधा आ जाए या किसी की नज़र इतनी ज़्यादा होती है वो प्रेत की तरह ही काम करती है। कई स्त्रियों की नज़र इतनी तीखी होती है जिनकी औलाद नहीं होती, जो वैध होती हैं, जिनके पति नहीं होते, इनकी भावनाएं, इनकी नज़र इतनी कटीली बन जाती है, यदि किसी बच्चे को ध्यान से देख लें तो बच्चे के ऊपर नज़र पकड़ जाएगी। या कई बार प्रेत बाधा या टोटका भी हो जाता है। यदि किसी स्त्री पर या बच्चे पर प्रेत बाधा तंत्र टोटका है तो सबसे पहले उसका खाना पीना डिस्टर्ब होता है, उसको खाया पिया नहीं लगता, उसकी सेहत नहीं बनती, बच्चा पूरी रात रोता रहेगा, सोएगा नहीं, स्त्री को पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो ऐसे के लिए बड़ा सुंदर उपाय दे रहा हूँ, बड़ा स्ट्रांग, बड़ा छोटा सा उपाय। आपको करना क्या है, एक लौंग हाथ में रखना, थोड़ी सी पीली सरसों, मुट्ठी बंद करके, यदि बच्चा पीड़ित है, यदि कोई स्त्री पीड़ित है तो उसके सामने बैठ जाइए। ये प्रयोग रात के समय करना है। सिर पर काले रंग का रुमाल रखकर हल्का सा काजल का तिलक लगाकर दोनों पलकों पर लहसुन का रस लगाना है जो पीड़ित व्यक्ति हो उसके, और मंत्र बोलना है मात्र 5 मिनट के लिए, अखरश अखरश अखरश। इस मंत्र का पाठ करके रोगी के, पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार वार के उसको घर के तवे पे जाके जला के उसको राख बना देना। उसको घर में छुपने का स्थान नहीं मिलेगा, नजर होगी वहीं कटेगी, प्रेत होगा, ब्लैक मैजिक होगा, उसी टाइम घर से गायब। सर किसी को भी नजर लगती हो? किसी को भी हो, कैसा भी हो, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा खतरनाक योग होगा, भाग खड़ा होगा, इतना शानदार मंत्र है अखरश।